फैमिली वेलकम टू आर चैनल, मैं हूँ शैली, आप सब लोग का स्वागत करती हूँ शैली मित्रा के फैशन डोज पे। सो आज का थंबनेल और टाइटल इंटरेस्टिंग है ना, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कितने टाइम से मैंने वेट किया है इस पर्टिकुलर पैटर्न का। तो आज हम बात करने वाले हैं शिवोरी और टाई एंड डाई प्रिंट की। आज ही कंप्लीट हॉल वैसे ही रहेगा, सारे आउटफिट, टॉप, टी शर्ट, सूट, काफ्तानों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़ॉन से सारी परचेज़ की है मैंने, अमेज़ॉन से फैशन हॉल होने वाला है और अमेज़ॉन पर आने वाली है प्राइम डे सेल जो कि 23 और 24 जुलाई को रहेगी। तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत अमेजिंग डिस्काउंट्स रहते हैं जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइजेस में, तो चेक कर लीजिएगा। आज के जितने भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ, माय हाउस स्टोर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट पसंद आया फिर अपने लिए आप ट्राई करना चाहते हो वहाँ से आप कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो कुर्ती सॉरी टॉप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आई थिंक ये पूरे हॉल में सबसे मिनिमम प्राइस का है और बहुत ही स्मार्ट टॉप है। दिस ब्यूटिफुल टाई एंड डाई टॉप और इसका फैब्रिक रेयॉन में है, कम्फर्टेबल है, बॉडी हगिंग है, बहुत सही लग रहा था। इसमें मैंने अपना साइज XL पिक किया है और इसकी जो स्लीव्स हैं वो एक्चुअली कैप स्लीव्स या फिर मेगा स्लीव्स आप बोल सकते हो, इस तरीके से आती है। पहना हुआ आप फ्रंट में देख लेंगे, बैक साइड से इसमें प्लेन रेड फैब्रिक लगा है बट फ्रंट पे इसमें टाई एंड डाई का फैब्रिक लगा है जो कि काफ़ी स्मार्ट लगता है। जीन्स के साथ ये बहुत सही लगेगा, अगर आप स्कर्ट पहनना चाहते हैं इसको टक इन करके पहन सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी ये बहुत सुंदर लगेगा। सो इस तरीके का टाई एंड डाई पीस आप अपने लिए भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैंने एक टी शर्ट देखी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि टाई एंड डाई में ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। सो मैंने सोचा कि काफ़ी सुंदर स्काई ब्लू कलर में, लाइक स्काई ब्लू और वाइट कलर का इस पर टाई एंड डाई हो रखा है। यहाँ पर एक प्रिंटेड इमोजी बना है, आप देख सकते हैं येलो कलर का, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो आपकी एल्बो तक आती हैं। इसमें भी मैंने अपना साइज़ XL प्लेस किया था, हालांकि ये मुझे ओवरसाइज टी शर्ट मेंशन था डिस्क्रिप्शन में, स्टिल मैंने XL मंगाया क्योंकि बॉस टी शर्ट लाइक मेरे लिए टी शर्ट एकदम खुली होनी चाहिए, एकदम हवा हवाई, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब मैंने इसलिए XL प्लेस किया था कि ये और ज़्यादा लूज़ आए क्योंकि मैं इसी तरीके की पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि वो जन्नत होती है। जो मुझसे रिलेट करते हैं ना, जो इस बात को सच मानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे। देखिए ये ब्लू कलर में, मतलब जो मैंने फिट पहना हुआ है ये XL में है और आप इसको पहन सकते हैं अगर आप मेरे साइज रेफर करते हैं तो। डेनिम्स के साथ बहुत स्मार्ट लग रही थी, घर में आप शॉर्ट्स पहनते हैं, 3/4 पैंट पहनते हैं उसके साथ भी बहुत सही है। कॉटन मतलब जो हॉर्जी मटेरियल है वो काफ़ी बढ़िया वाली क्वालिटी का है, सो गो फॉर इट। मूव करते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। नेक्स्ट लुक पे ये है रेड कलर का ड्रेस जो कि ऑफ शोल्डर ड्रेस है, मतलब जैसे कि जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बोरिंग और वही रेगुलर चीज़ें नहीं पहनना चाहते, ट्राई दीज, इसमें बहुत सारे स्टाइल्स ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसका जो टाई एंड डाई है वो थोड़ा सा मरूनिश कलर टाइप का है, बिल्कुल चटक रेड नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा इलास्टिक है तो आप इसको शोल्डर के ऊपर भी पहन सकते हैं और शोल्डर को डाउन करके भी, यानी कि ऑफ शोल्डर तरीके से भी पहन सकते हैं, वन शोल्डर डाउन कर सकते हैं, तो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ स्लीव के पास काफ़ी अच्छी इलास्टिक दी हुई है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको फुल स्लीव भी रख सकते हैं, चाहे तो अगर इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लें एल्बो के पास तो ये वहाँ पर भी टिका रहता है, नीचे नहीं जाता। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, ये देखिए यहाँ पर ना पूरा इलास्टिक है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। इसमें मेरा साइज़ लार्ज है क्योंकि आगे और पीछे जब इलास्टिक होती है ना वो आपके बस को बहुत अच्छे से हग करती है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। घेरा भी इसमें काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी फ्रंट और बैक पूरा आपको टाई एंड डाई मिल रहा है, शिवोरी प्रिंट मिल रहा है, गो फॉर इट। इसका जो फैब्रिक है वो मुझे लीवा फैब्रिक फील हो रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल, ठंडा रहता है यार। जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है इसका अगर वीडियो जा चुका होगा तो मैं लिंक कर दूंगी, नहीं गया होगा तो प्लीज़ वेट करो, बहुत जल्दी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर देना ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले क्योंकि इन चीज़ों के स्टॉक आउट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लग रही है लाइक का बटन दबा के जाना, भूलने लगे हो आजकल लाइक का बटन दबाना। नेक्स्ट ड्रेस, मतलब मुझे नहीं पता था इसका फैब्रिक इतना सही आएगा यार। ये है फ्रॉम द ब्रांड गो फॉर इट, आई थिंक इसका ब्रांड नेम है। इसमें मेरा साइज लार्ज है एंड लुक एट द ब्यूटिफुल
टीनी मीनी ड्रेस जो कि फिट एंड फ्लेयर स्टाइल में है, वाइट एंड ब्लू कलर में। इसमें आई थिंक एक दो कलर्स और अवेलेबल हैं। जितने भी आउटफिट्स हैं उसमें जितने कलर्स होंगे वो आपको उसी लिंक पर मिल जाएंगे। अगेन मेगा और कैप स्लीव्स मिल रही हैं इसमें, और साइड से इसका जो स्टिच है ना वो प्रिंसेस कट में है, और नीचे इसका फ्लेयर इतना मज़ेदार है ना, जस्ट आई जस्ट लव दिस ड्रेस। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्ट्रेचेबिलिटी, लुक इतना अच्छे से बॉडी को हक कर रहा था ना, मतलब मुझे इतना बढ़िया लग रहा था। इसके साथ स्नीकर्स डालो और अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, दैट्स इट। मूवी डेट पे भी जा सकते हो, कॉफी डेट पे भी जा सकते हो, आई जस्ट लव इट। नीचे से देखो घेरा मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब ऐसे बहुत ही एकदम फ्लेयर वाला इसका फैब्रिक है ना, ये देखो बड़ा ही सही लग रहा था पहनकर बैठना, मतलब मुझे तो मन कर रहा था मैं डांस करूँ। ये वाली लुक आपने यहाँ पर देख ली है, आप जैसे क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट करना, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना, माय इंस्टा हैंडल इज मित्रा वैशाली, वहाँ पर भी मैं शेयर करती रहती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। आप मुझे टैग कर दोगे तो मैं आपको भी, मतलब आपकी स्टोरी को भी अपनी स्टोरी पर शेयर करूँगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट है शिवोरे ब्रांड में लाइक चिकनकारी कुर्ती, ये भी कुछ डिफरेंट और यूनिक पीस है। ये ब्यूटीफुल कोरल कलर में कॉटन की चिकनकारी कुर्ती विद शिफोरी का ट्विस्ट, गो फॉर इट। इसमें आई थिंक एक ब्लू कलर भी अवेलेबल है, ये देखिए पूरा चिकनकारी वर्क किया हुआ है, कॉटन मटेरियल की है, इसमें कोई स्लिप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो आपको ट्रायल दिखाया इसमें मैंने कोई भी स्लिप ऐड नहीं की है। नीचे भी इसके मतलब टॉप टू बॉटम इफ यू कैन सी, अब ध्यान से देखिए पूरा ही एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स हैं इसमें नीचे तक, ये देखो फ्रंट पर भी पूरा एकदम हैवी भरा हुआ है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है, और यहाँ पर ना ये फैब्रिक के बटन लगाए हुए भी काफ़ी अच्छे हैं। बैक पर इसमें पेसले का आपको एक मोटिफ मिल रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ, वीडियो अच्छी लग रही है, स्माइल आ रही है फेस पे, तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट अ वेरी प्रिटी ड्रेस, मतलब ये ना जॉर्जेट मटीरियल में है और पूरा सीक्वेंस ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्राउन कलर में ये है वानी क्रिएशन, हालांकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है मैं आपको दिखा दूँ 2199 रुपये, बट एज एन अमेजोन पर है तो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिल जाएगी। पीछे से राउंड नेकलाइन है, आगे से वी कटआउट है, और इसके जितने भी बटन्स हैं, यस टॉप टू बॉटम इस ड्रेस के बटन फंक्शनेबल हैं। गो फॉर लार्ज इन दिस, पूरा ही जॉर्जेट मटेरियल का है, अंदर आपको लाइनिंग भी मिल रही है। यहाँ पर देखो बहुत ही छोटे 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 सीक्वेंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर इस तरीके से कफलिंग का डिज़ाइन है जो यूजुअली शर्ट वगैरह में होता है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए पूरा ही छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हुए हैं, मैंने आपको क्लोजअप भी दी है ट्रायल के दौरान बैक से, और ब्राउन और ऑफ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन ना इतना सही लग रहा था। आगे की तरफ जो पैनल बनाया हुआ है चोली की तरफ वो भी बहुत अच्छे से फिट आ रहा था। सो हियर वी गो, मैं आपको इसका लाइनिंग भी दिखा दूँ, ये देखिए इसके अंदर लाइनिंग अवेलेबल है। चलिए मूव करते हैं फाइनली शो स्टॉपर पर, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। चलिए ये है आई थिंक जनसिया ब्रांड से कॉटन मटेरियल पे शिवोरी ब्लैक एंड वाइट, लाइक ये ना इसमें थोड़ा सा ग्रे टोन ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि ब्लैक एंड वाइट शिवोरी है ना, तो इसमें ग्रे के हिंट होते हैं। ये काफ्तान ड्रेस और कुर्ती भी आप बोल सकते हो, बट इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। आप पहना हुआ देख रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि ये काफ्तान है, क्योंकि थोड़ा सा बोट नेक स्टाइल में है। यहाँ पर स्लीव आपको काफ्तान स्टाइल में मिल रही है, बट यहाँ पर फ्रंट पे आपके स्टमक एरिया पे ना, यहाँ पर ना 2 से 3 स्टिचेस लगाई हुई है, जिससे आपके यहाँ पर स्टमक राउंड पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और सेकेंड थिंग, इसमें बैक साइड पर आपको एक काफ़ी अच्छी खासी एक डोरी दी हुई है सेम फैब्रिक की, जिसको पीछे से टाई कर लो बहुत सही लगती है। और इसका जो स्लिट है ना साइड वाला, वो बहुत ऊपर तक नहीं है, लाइक जस्ट इतना सा स्लिट है, ये देखो इतना सा स्लिट जो आप यहाँ देख रहे हो। तो इसको अगर आप ऐसे ड्रेस पहनते हो आप आराम से पहन सकते हो, चाहे तो लेगिंग जिसे मैंने ऐड की है वैसे भी कर सकते हो, फ्लेयर वाला प्लाजो उसके साथ ऐड कर सकते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये एक ही पीस आपके वार्डरोब में बहुत सारे वर्सेटाइल मतलब डिज़ाइंस आप लुक्स क्रिएट कर सकते हो। फ्रंट पर बेल्ट लगा लो, इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ड्रेस की तरह पहन लो, स्नीकर्स ऐड कर लो, मतलब गो फॉर इट यार, जस्ट एक्सपेरिमेंट कर डालो एकदम, फैशन थेरेपी चालू करो। यही था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को आज के लुक्स अच्छे लगे होंगे। कौन सा वाला लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये पैटर्न सीरीज आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने पहली बार की है अपने चैनल पर, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग ऑप्शंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, ऑल योर सपोर्ट एंड लव, स्टे चिपके, बाय।